आज का जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी केमिस्ट्री में बेहद जगह यूज होता है, इसलिए मैंने इसको आसान बनाने के लिए स्टेप 1, 2 और 3 में डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसान लगे। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, देन डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7 होता है, देन आयन इनकी वैल्यू होती है पॉजिटिव या नेगेटिव में, मैग्नीशियम की वैल्यू होती है प्लस में होती है 2 होती है, डाइक्रोमेट का जो होता है Cr2O7 माइनस की 2 होती है। पॉजिटिव देखिए 4 तक नंबर, नेगेटिव में 4 तक है, इनके नाम होते हैं मोनो डाई ट्राई टेट्रा के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम की वैल्यू 2 है एंड इसकी भी वैल्यू 2 है, डाई वैलेंट के फॉर्म में है। सिंबल एंड वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर लिखेंगे आप Mg की वैल्यू 2, डाइक्रोमेट है तो क्या होगा Cr2O7 की वैल्यू कितनी है 2 होती है। देन प्लस एंड माइनस जब भी आयन के रूप में होता है तो प्लस माइनस के रूप में होते हैं, बट जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या कंपाउंड बनाते हैं फॉर्मूला तब क्या होता है प्लस एंड माइनस हट जाता है, तब क्या आएगा Mg, दोनों के वैल्यू सेम है इसी वजह से क्या होगा 2 हट जाएगा Cr2O7। मैग्नीशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है MgCr27 होता है। इस कॉन्सेप्ट से आपने सीखा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, बट ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सिंबल एंड जब वैल्यू फाइंड होंगे तब। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।